जानती हो ना, उन्होंने मैं जानती हूँ अनुकल्प कि उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है और इसलिए तो वो और भी ज्यादा दुखी है। वो सोचती है कि वो जिसके लिए राजकोट छोड़कर यहाँ पर आई है, अगर वो ही उनसे नाराज रहेगा तो उनके यहाँ रहने का क्या फायदा, इसलिए वो जा रही है, राजकोट वापस जा रही है। क्या? हाँ अनुकल, तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाके देख लो, उन्होंने तो सामान सामान पैक भी कर लिया। भाई कह रही है कि आज रात की ट्रेन से ही चली जाएंगी राजकोट वापस। नहीं नहीं, ये पकड़ो। ये आप क्या कर रही हैं माजी? क्या हुआ? नहीं, माना कि मैंने आपसे झगड़ा करके गलत किया, पर आप जानती है ना मुझको, आप मुझसे जरा भी नाराज होती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है, और आज आप इतना नाराज हो गई कि इतना बड़ा कदम उठा रही है। मैं क्या किया मैंने? नहीं अब्बा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, सुबह थोड़ा गुस्सा आ गया था जब आपने हमारी गाड़ी हेते को देने की बात की थी, लेकिन गुस्सा उस वक्त था ना, आपको पता है मैंने आज हेतल को खुद गाड़ी चलाना सिखाया। नहीं अब्बा जी देखिए, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं नहीं रह पाऊंगा। नहीं अम्मा जी, नहीं, मैंने जो सुबह कहा उसके लिए आप मुझे 4 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ना, आप मुझे छोड़ के राजकोट नहीं जाएंगी, मैंने बोल दिया बस। अब चुप कर, कब से बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कौन राजकोट जा रहा है? आप राजकोट नहीं जा रही। मैं राजकोट क्यों? हाँ ये सब अलमारी साफ कर रही हूँ। तो मोना ने बाहर बोला क्या? मोना ने कहा मैं राजकोट जा रही हूँ। लो, और तू छोटे बच्चे की तरह रोते हुए मुझे मनाने आ गया? रख ले, तुझे छोड़कर मैं कहीं जा सकती हूँ? जी सकती हूँ मैं तेरे बिना? पर सुन, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया, लेकिन सच मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए। छोड़िए ना अम्मा जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर हेतल खुश है तो मैं भी खुश हूं, और क्या चाहिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों की तरह जिद करता हूं, कितना परेशान किया ना मैंने आप सबको। पापा जी, माय गॉड, अब तो पार्टी शादी होनी चाहिए। वैसे भी बापू जी का 75th बर्थडे शर्डे आ रहा है ना, चलिए अब जोरों से तैयारी शादी शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे ये दिन बापू जी के लिए एकदम यादगार बन जाए? हम ना बापूजी को सरप्राइज देते हैं। एकदम सही आइडिया रहेगा, पर क्या सरप्राइज देंगे? ये जो तूने मेरे साथ किया वो सरप्राइज था, मजाक था या झूठ था? क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है, जानती है ना? झूठ? सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं। वो तो ना मैं अनुकल्प की क्लास ले रही थी, बाय गॉड। मोना की बच्ची, अब मैं तेरी क्लास लेके दिखाता हूँ। अब मोना भाभी को माफ भी कर दो, वैसे भी हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ सेजल कह रही है इसलिए माफ कर रहा हूँ। हाँ तो हम लोग बापूजी के जन्मदिन की बात कर रहे थे कुछ। हाँ बेटा, इस बार बापूजी का 75वां जन्मदिन आ रहा है। हाँ वो प्लैटिनम जुबली शुबली। हाँ तो हम लोग सब मिलकर ये तय कर रहे थे कि कुछ ऐसा करे जिससे बापूजी एकदम खुश हो जाए। सरप्राइज देना ये तो तय हो गया, लेकिन क्या सरप्राइज दे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये तो, जो भी सतनाम और करण के बीच हुआ ठीक नहीं हुआ।
एक छोटी सी बात को तुम लोग खींचते चले जा रहे हो, झगड़ा खत्म करने के बजाय उसे बढ़ाते जा रहे हो। बच्चे नहीं हो अभी तुम लोग, बड़े हो गए हो, इसीलिए मैंने तुम सबको आज यहां बुलाया है कि आपस में मिलकर तुम इस बात को सुलझाओ। ये दुकान के कागजात हैं। अब करण भी सतनाम के साथ बराबरी में काम करता है दुकान पे, इसलिए मैंने तय किया है कि दुकान सतनाम और करण के नाम दे दूं। नहीं दारजी, सतनाम चाचा जी के साथ ही दुकान आप मेरे नाम पे मत कीजिए। मैं उनके साथ एक ही जगह पर काम नहीं कर सकता। ये क्या कह रहा है तू पुत्र? मैं यहां तुम लोगों का झगड़ा सुलझाना चाहता हूं और तू है कि अरे झगड़ा किस घर में नहीं होता? छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता रहता है और तू ये कैसी बात है? दारजी, ये छोटी मोटी बात नहीं रही है। जो दरार पड़नी थी वो पड़ चुकी है, और अगर साथ में काम किया तो ये दरार को खाई बनते देर नहीं लगेगी। पुत्र, माफ कर दीजिए दारजी, लेकिन मैं सतनाम चाचा जी के साथ एक ही छत के नीचे काम नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? तू मेरे साथ एक छत के नीचे काम नहीं कर सकता? इतना बुरा हो गया हूं मैं पुत्र कि अब तू मेरी शक्ल तक नहीं देख सकता? हाँ हाँ पुत्र, अब तो तू सब कुछ सीख गया है ना, इसलिए सब कुछ अकेले ही संभाल सकता है। ठीक है दारजी, कर दीजिए दुकान का बंटवारा। सतनाम, सतनाम, क्या कहा तूने पुत्र? बंटवारा कर दूं? हां दारजी, मेरे ख्याल में इस झगड़े को मिटाने के लिए यही ठीक रहेगा। और दुकान ही क्यों, आप अपने जीते जी सब चीजों का बंटवारा कर दें। एक एक हिस्सा सतनाम को और एक करण को, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वाह भाई साहब, मैं तो दुकान के बंटवारे की बात सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका पुत्र कहता है कि वो मेरे साथ एक छत के नीचे काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो घर का बंटवारा चाहिए। आज तक मैं इस घर के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, काम करता रहा, सिर्फ ये सोच के कि ये मेरा परिवार है। सत्ता, मैं जो कह रहा हूं सबके भले के लिए कह रहा हूं, तो बेकार में फिर से अपने दिल में क्यों कोई गलतफहमी पाल रहा है? गलत फहमी तो आप पाल रहे हैं भाई साहब। दारजी, कर दीजिए इस घर का बंटवारा, इस घर का बंटवारा, इस घर का बंटवारा, इसी में सबका भला है, इसी में कर दीजिए सबका भला, कर दीजिए सबका भला, कर दीजिए सबका भला, इसी में सबका भला है ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रब के पास तो चुप हो जाओ।
दार्जी ठाकुर राम की बेबे कैसे दिन दिखा रहे मेरे पुत्र ये घर ये तुमने और मैंने मिल के बनाया आज तेरे पुत्र कह रहे हैं कि इनका बंटवारा कर दो बंटवारा कर दो सब छोड़ के तेरे पास आ जाऊंगा लेकिन तेरे लायक पुत्र मुझे रोते रोते तेरे पास भेजेंगे राम की बेबे इनका बस नहीं चल रहा है नहीं तो ये घर के साथ साथ मेरे 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 में दो टुकड़े कर देंगे ना दर्जी दर्जी माफ कर दीजिए दर्जी नहीं दर्जी मेरा मकसद आपको आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था दर्जी दर्जी मुझे माफ कर दो जी माफ कर दो मुझे छोड़ के दुकान बनाई थी मैंने जिस दुकान से घर चलता है सब सब कुछ चलता है हर बुरी नजर से मैंने उसको बचाया जिसको आज ही लोग मार लेना चाहते हैं मार लेना चाहते नहीं दार्जी नहीं मेरे जीते जी घर और दुकान का बंटवारा नहीं होगा मैं मर जाऊं तो उसके बाद जो मर्जी हो करना मेरे जीते जी नहीं होगा बंटवारा ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि कमरे की लाइट बंद कर दी तुम्हारे बापूजी को पता ही नहीं चलेगा कि हम सब यहाँ बैठे तेरे बाप हाँ भाई हाँ अब बताओ कि तुम्हारे बापूजी का जन्मदिन कैसे मनाना है मुझे लगता है कि भजन संध्या रखते बापूजी को बहुत पसंद आएगा भजन संध्या हाँ तू ही जाना भजन संध्या में भारती हाँ अच्छा तो हम एक काम करते हैं डीजे वाली पार्टी रखते हैं नाच गाना खाना पीना ड्रेस कोड भी रखेंगे हाँ जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे ना एक सेकंड एक सेकंड हाँ फिर से बोलो लाइट नहीं दी थी हाँ हाँ जैसे टीवी में दिखाते वैसे ना पार्टी में सब लोग एक जैसे कपड़े पहनकर आते हैं बिल्कुल वैसे हाँ 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 वाह एकदम टीवी वाली पार्टी मजा आएगा ना अरे सेजल मजा तुझे आएगा पर बर्थडे तो बापूजी का है ना हाँ मुझे नहीं लगता कि सेजल ये तुम्हारी जो डीजे या ड्रेस कोड वाली पार्टी है ये सब बापूजी को अच्छा लगेगा पापा अपने गुजराती स्टाइल में कुछ डांडिया कुछ हा? कुछ प्रोग्राम ऐसा करें गरबा अरे नहीं नहीं अरे रुको देखो मैं बताती हूँ ये ना बापूजी का बर्थडे कोई नवरात्रि शिवरात्रि नहीं है एक मिनट एक मिनट मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए हाँ। अरे नहीं कल्पेश तुझे पता नहीं अरे तेरे बापूजी को बरसात के मौसम में बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है हाँ तो ऐसा करे क्या जो बापूजी को भी पसंद हो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें बापूजी को सबसे ज्यादा मजा है
बताती हूँ। देखो बापूजी स्कूल में पढ़ाते थे, उनके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ तो क्यों ना हम उन्हें बुला लें, मजा आएगा बाय गॉड। लेकिन देखिए अगर वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे, काफी टाइम हो गया ना बापूजी को पढ़ाते पढ़ाते, अब तो वो सब बड़े हो गए होंगे, और बापूजी को वो विश करने आएंगे तो बापूजी का सरप्राइज हो जाएगा और खुशी की खुशी मिल जाएगी। बाय गॉड। अरे झुकरी तूने तो बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया। हाँ अरे तेरे बापूजी अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बड़ा लगाव था उनसे, जब पुराने विद्यार्थियों से मिलेंगे ना तो अपने पुराने दिन याद करके बहुत खुश हो जाएंगे भारती। तो तेरा बापूजी का जन्मदिन मनाने के लिए उनके पुराने विद्यार्थियों को इकट्ठा करते हैं। सब लोग यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे बापूजी ने देख लिया ना तो सवाल पे सवाल पूछने लगेंगे। तो एक काम करते हैं, कल ही से लग जाते हैं सरप्राइज पार्टी को प्लान करने में। हाँ पर सुनो, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। ए जल्ली। हाँ मेरे जल्ले। एक बड़ी सी शाबाशी और बहुत सारा थैंक यू। ओ नीचे तो बड़ी धमकी शमकी दे रहे थे कि मुझे देख लोगे आप। वो धमकी थोड़ी, वो तो प्यार था मेरा। क्यों इतना बड़ा काम किया तुमने? मैं अम्बा जी से थोड़ा गुस्सा हो गया था, उस गुस्से को कितने स्टाइल से तुमने भगाया। अरे गुस्सा थोड़ी ना थे तुम, वो जब छोटा बच्चा नाराज हो जाता था अपनी माँ से और उसी में रूठ जाता है, तुम तो बस वो ही हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि अम्बा जी राजकोट जा रही है, तुम कैसे दौड़े दौड़े उनके पीछे पीछे आ गए। तुम ना बहुत शैतान हो। बाय गॉड। बाय गॉड। अब देखा मैंने घर को टेंशन वेंशन के माहौल में आने से बचा लिया, शाबाश। और क्या चाहिए, और तुम में, तुम जैसे झल्ले में भी थोड़ी सी अकल आ गई। मानता हूं। गई तुझे देख लिया, तेरे मायके से आई हुई गड्डी को करण हाथ तक नहीं लगा रहा है, यहीं खड़ी खड़ी जंग लग जानी है। पर तुझे क्या, तू तो खुश है ना कि तू गड्डी वाली हो गई। मुझे क्यों ताने मार रही हैं आप, ये सब आपका किया धरा है ना, और आप जो बोएंगी वही काटेंगी ना। मैंने, मेरा किया धरा है ये। और नहीं तो क्या विमी चाची, आपको ही बहुत शौक है ना दिखावा करने का, ये जो भी हुआ है ना सिर्फ आपके ही कारण हुआ। मेरे कारण नहीं है तन, जब से तू आई है ना इस घर में तब से ही ये लगाने बुझाने का खेल शुरू हुआ है। ठीक है मान लिया, भले ही मेरे आने के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन किया तो आपने है ना, आपने जो गलती की है ना विमी चाची उसका दोष आप मुझ पे मत डालिए। पहले परजाई जी और मेरे बीच, फिर करण और उसके चाचा जी के बीच झगड़ा लगवाया, नतीजा देख ही रही है तू, नौबत बंटवारे तक आ गई है। कैसी बहू है, आते ही घर में रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए। मैं सिर्फ उसे ही क्यों दोष दे रही है विमी,
ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। परचाई जी, तुसे नहीं जानते हेतल ने। विमी, मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर में कौन क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं रहता।